ओम शांति। मेरा परम सौभाग्य है कि मीठी माँ जगदम्बा मम्मा सरस्वती की बहुत मीठी पालना लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मुझे याद आता है कि 53 में हम पहली बार माउंट आबू गए। मेरी उम्र 6 वर्ष की थी और उस समय पांडव भवन नहीं था, कोटा हाउस था। कोटा हाउस में जब हम बाबा और मम्मा से पहली बार मिले, इतना आनंदमय दृश्य था। बाबा सामने बैठे थे, मम्मा बैठी थी और सारे यज्ञवत्स दोनों साइड में बैठे थे, हम बीच में बैठे थे बाबा के सामने। और जब हम मम्मा से जब मिले, गीत बजा चलो चले माँ, मैंने मम्मा को उठाया, मम्मा उठी और मैंने मम्मा के साथ रास की। चलो चले माँ सपनों के गांव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में। बहुत आनंदमय दृश्य था। फिर बाबा से मिले और मुझे याद आता है लगभग 2.5 महीने हम रहे। हर रोज बाबा मम्मा के साथ घूमने जाना, सारा दिन उनके साथ साथ रहना, ये परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। मम्मा के समीप रहने से धीरे धीरे मुझे एक आकर्षण हुआ कि मुझे सफ़ेद वस्त्र पहनने हैं। मैं रंगीन वस्त्र पहन के मम्मा के आगे नहीं जाऊंगी। एक बार मैंने एक गीत पर डांस किया मम्मा के आगे और फिर उस स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल में भी डांस करने के लिए निमंत्रण दिया। मैंने मम्मा से पूछा कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, क्या मैं स्कूल में जाके डांस कर सकती हूँ? तो मम्मा ने कहा आज तो जाओ, आज तो ये डांस कर लो, लेकिन आगे से हमेशा सफ़ेद वस्त्र पहनना, कुछ भी करना है सफ़ेद वस्त्र में ही करना है, ऐसी पक्की धारणा कर लेना तो इधर उधर से ऐसे निमंत्रण नहीं मिलेंगे। मुझे याद है उस छोटी उम्र से मैंने सफ़ेद वस्त्र पहने, फिर कभी मैंने रंगीन वस्त्र नहीं पहने। मम्मा अमृतसर में आई थी, मैंने मम्मा के आगे कविता सुनाई थी। मम्मा, दिल में हमने ठान लिया है सत्युग हम ही बना देंगे, नन्हे मुन्ने बच्चे मिलकर कलयुग को पलटा देंगे। मम्मा, लाल तेरे हम सारे हैं और मरने को तैयार खड़े, विकारों से जंग हमारी लड़ने को तैयार खड़े, सेना हम सेनानी आप हो घबराने का काम नहीं, हम हैं बच्चे छोटे छोटे लोक लाज का नाम नहीं, थक जाएं भल गोप गोपियाँ ग्वाले वीर से आने हैं, जिसने आना आए सामने सीने हमने ताने हैं, कल्प कल्प का पाठ पुराना फिर से वही बजाना है, कल्प पूर्व की नई दुनिया को फिर से हमने लाना है, एक एक गुण धारण करके मम्मा के गले में आएंगे, 108 की माला हमारी विजयी वत्स कहलाएंगे, देश विदेश में चल निकलेंगे झंडा यही फहरा देंगे, मान ना मान ये मर्जी उनकी हम पैगाम सुना देंगे। ऐसी कविता मैंने मम्मा के आगे सुनाई थी और मुझे याद है मम्मा की वो मीठी पालना, मम्मा की वो मीठी प्रेरणाएं। मम्मा जब हमको देखती थी तो मम्मा कहती थी ये बच्ची बहुत सेवाधारी होकर बाबा की श्रीमत पर कदम कदम चलकर दिखाएगी। ऐसे वरदान का हाथ उनका सिर पर रहा
ऐसे वरदान मम्मा के मिलते रहे। और इस तरह से मीठी मम्मा ने को हमने देखा कि हमेशा जब भी घूमने जाते बाबा से पहले मम्मा गेट पर हाजिर हो जाती। कभी बाबा को मम्मा का इंतज़ार नहीं करना पड़ा। हर जगह मम्मा हर कार्य में सामने आती, सामने रहती और हर कार्य साथ साथ बाबा के करती, पत्र भी साथ में लिखती। इस तरह से मैंने देखा, ऐसी मीठी पालना मम्मा ने दी, ये महसूस नहीं कराया कि हम छोटे हैं, लेकिन ईश्वरी नियम, ईश्वरी मर्यादाएं सब पर हमेशा एक्यूरेट रहें, पूर्ण रूप से चलते रहें, कायदे से चलते रहें, बाबा के बताए हर नियम का पालन करके चलते रहें। इस पर मम्मा की विशेष प्रेरणाएं मिलती रही। तो इस तरह से हमने देखा कि मम्मा की ऐसी मीठी पालना मिलने से, ऐसी मीठी शिक्षाएं मिलने से हर कार्य सहज होता रहा, हर कार्य सहज और आगे बढ़ते रहे। मम्मा जब पहली बार दिल्ली में आई थी, हमारे एक लौकिक संबंधी हैं, उनके बहुत बड़ा भवन, उसी में मम्मा का ठहरना हुआ था। मम्मा को रिसीव करने के लिए हम एरोड्रोम पर गए थे। मम्मा कानपुर से दिल्ली प्लेन से आई थी। एरोड्रोम पर जब रिसीव करने गए तो बहुत भाई बहन गए थे, वो बहुत भव्य स्वागत, जबरदस्त स्वागत हुआ था। ऐसा स्वागत जैसा किसी का हुआ नहीं होगा, वो दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा है। और जब वहाँ से मम्मा जब कार में बैठने लगी, मुझे सामने देखा, मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ कार में बिठाया और अपने साथ लेकर के गई। और जब मैं वहाँ मम्मा के साथ उतरी तो मुझे उस भवन से थोड़ा दूरी पर ही उतारा गया था और मुझे वो मम्मा का स्वागत देखने को मिला, जो इतना भव्य स्वागत जो वहाँ पर हुआ। और उसके बाद मम्मा काफ़ी दिन वहाँ रही और हम भी उसी भवन में रहे। कदम कदम पर मम्मा की दृष्टि लेना, मम्मा के हाथ से टोली खाना, मम्मा की शिक्षाओं पर ध्यान देना, मम्मा ने जितने वरदान दिए उसको प्रैक्टिकल जीवन में उतरते देखा। इस प्रकार से हमने मीठी मम्मा को देखा कि किसी भी बात में ढीलापन नहीं, किसी बात में भी ज़रा आलस्य नहीं, किसी को भी मम्मा हर एक कार्य में एक्यूरेट चलो ऐसी इशारे देती, ऐसी प्रेरणाएं देती। और बहुत मीठे ढंग से, जैसे माँ लोरी गाती है, ऐसे मीठे ढंग से मम्मा पढ़ाती कि लगता ही नहीं था कि मम्मा शिक्षा दे रही है, मम्मा कुछ बहुत कड़ी समझानी दे रही है, ऐसा कभी किसी को लगा ही नहीं। इतने प्यार से मम्मा कहती कि बस सुनने वाले के जीवन में धारण हो जाता, वो उसका स्वरूप ही बन जाता। ऐसा स्वरूप हमने देखा। इसलिए आए मम्मा का वो दिन जब आता है, मम्मा सामने दिखाई देती है और सामने मम्मा की वो मीठी पालना, वो माँ की पालना, वो बाबा को हर बात में जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा कहना, वो दिखाई देता है। जब मम्मा मुरली चलाती और बाबा आते तो मम्मा की मुरली पूरी हो जाती। हमने नहीं देखा कभी कि बाबा के आने पर भी मम्मा की मुरली चल रही है। तो ये भी एक बहुत रिस्पेक्ट वाला संस्कार, बाबा को इतना रिगार्ड देने का संस्कार हमने प्रैक्टिकल में मम्मा में देखा। इस प्रकार से मम्मा ने अपने जीवन से, अपने कर्मों से, अपनी दिनचर्या से बच्चों को पढ़ाया, प्रैक्टिकल पढ़ाया, बजाय इसके कि शिक्षाओं से पढ़ाया, प्रैक्टिकल मम्मा के जीवन के द्वारा, लाइफ के द्वारा वो दिखाई दिया।
और मम्मा ने मेरे को सफ़ेद वस्त्र पहनने की प्रेरणा दी और हमेशा बहुत सादगी में रहना सिखाया, और जिसका वो ऐसा वरदान मिला कि मुझे हमेशा वही पसंद रहा और मैंने हमेशा छोटी उम्र से सफ़ेद वस्त्र धारण किया और ईश्वरीय नियम मर्यादाओं पर चलने में बहुत सहज, कभी मुश्किल लगा ही नहीं, कभी लगा ही नहीं कि कोई मेहनत कर रहे हैं, ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसा कभी अनुभव हुआ ही नहीं। ये मम्मा के द्वारा ये मिले वरदान का ही फल था जो इस प्रकार की अनुभूति हुई। तो इस प्रकार से मम्मा के अंदर बहुत निरहंकारिता, मम्मा के अंदर बहुत नम्रता, बहुत मीठी दृष्टि, बहुत शिक्षा, सावधानी देने का तरीका बहुत ही मधुर कि लगे ही नहीं कि शिक्षाएं दे रहे हैं। हर काम करके दिखाना प्रैक्टिकल अपने जीवन द्वारा, ऐसी इसी को कहते हैं मीठी पालना। ऐसी पालना हमने मम्मा को करते देखा, बच्चों को बाबा की हर आज्ञा का पालन करना, हर शिक्षा का पालन करना, कहने पर करना नहीं पहले से ही करके दिखाना, ऐसे बहुत मीठे पुरुषार्थ बाबा ने सिखाया और वो बच्चों ने प्रैक्टिकल में किया, ऐसा हमने प्रैक्टिकल में देखा। ओम शांति। बाप कहते अभी उसका भी टाइम पूरा हुआ है, इसको मुझे विनाश करना ही है, क्योंकि इनकी अभ्यास जर्जरी भूत अवस्था अथवा लास्ट स्टेज आ चुकी है। इसीलिए जबकि अभी इसी राज्य का खत्म होने का टाइम आया हुआ है, यानी रावण के राज्य का, इस विकारी दुनिया के समय का अभी टाइम आकर करके पूरा हुआ है, और उसका डिस्ट्रक्शन देखो, मौत की भी निशानी आ चुकी हुई है। तो अभी जबकि उसके नाश का टाइम आया है, तो क्यों नहीं अभी जो दुनिया आने वाली है और सुख की, तो क्यों नहीं अपना उसमें बना लेना चाहिए। तो अक्लमंदी तो यही है ना, एक तो जो चीज है वो एक खत्म होने की है, भले कोई कहे कि चलो हमको स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, हमको यही अच्छे है, हम इधर ही पड़े रहे, पर तो बाप कहते हैं वो भी तो नहीं रहने का है, वो भी रहने का नहीं है, क्योंकि उनका भी अभी टाइम पूरा हुआ है। तो जबकि उसका टाइम भी पूरा है और उसमें कोई सार भी नहीं है, तो जब ऐसी बात है तो क्यों नहीं जिसमें सार भी है और उसका टाइम आया हुआ है, उसमें अभी यह हक लगाने का समय है, क्योंकि वो दुनिया अभी आ रही है। हाँ, वो बताया नहीं, आ रही है दुनिया, तो जब की आ रही है दुनिया और अभी उस दुनिया की वारी है, तो क्यों नहीं उसमें अपना अभी लगा देना चाहिए सैपलिंग कलम, तो फिर हम उसमें अपना फल पाएंगे। इसीलिए बाप कहते हैं अभी समझ का अगर काम है और समझदार बनना है, तो अभी यहाँ ये विनाश भई हुई अभी अभी बाकी थोड़ा टाइम है, तो अभी जो खत्म होने पर है उसको अभी से ही खत्म कर दो, पहले से ही, जरा पहले से उसको खत्म कर दो। होनी तो है ही, तू न करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये खत्म होने की नहीं है, तू न करेंगे तो भी होने की है, तो क्यों नहीं तुम दिल से अपना उसे पहले से ही आसक्ति अथवा ममत निकाल देते हो, तो उसका तुमको फायदा मिलेगा। तो मैं खाली कहता हूँ तू पहले से जरा, मरनी तो ऐसे भी है, खत्म तो ऐसे भी होने हैं, तो जबकि ऐसे भी तुम्हारे से छूटना है सब कुछ, तो क्यों नहीं तुम पहले से ही अपना जरा दिल से आसक्ति अगर तोड़ेंगे, तो उसका फल तुम्हारा देखो, तुम्हारा उस आसक्ति तोड़ने की सैपलिंग लग जाएंगी। सिर्फ तुम खाली आसक्ति तोड़ते हो, ये जो तुम कहते हो देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि हटाते हो, बस उसी मेहनत का ही तुम्हारा सैपलिंग लग जाती है, तो क्यों नहीं तुम इतना अपना नई दुनिया के लिए बना लेते हो। छूटनी तो ऐसे ही भी है, ऐसे नहीं कोई कहे कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तो वहां देखो उसका विनाश खड़ा है सामने। तो ये है सारी बातें, इसीलिए बाप कहते हैं जबकि अभी ये सब सारा राज समझा, मैंने समझाया है और समझा रहा हूँ, और बुद्धि में आता भी है, तो फिर उसके मुताबिक काम करना चाहिए नहीं, बाकी मेरा संसार मेरी दुनिया देखो कितनी सुखदाई है। इसीलिए कि हाँ अभी इसमें कुछ राह नहीं है, इसमें कोई सार नहीं, किसमें भी सार नहीं है, सब कुछ बन के इस दुनिया के भी बड़े बड़े बन के भी देख लिया, मर्तबे वाले, धनवान,
बड़े बड़े सब बन के देख लिया, इसमें भी सार नहीं है। सब अनुभवी हो ना, इस दुनिया का अनुभव देखते चलते आए हो, तो ये सभी चीजें बैठ कर करके बाप अभी समझाते। इसीलिए कहते जबकि अभी ये दुनिया का टाइम पूरा होने पर आ चुका है, अभी कोई कहे हम कैसे माने कि दुनिया का टाइम पूरा हुआ है, तो अभी क्या इसमें अभी तक भी आंखें नहीं खुलती हैं? अभी तक ये ध्यान में नहीं आता है कि दुनिया का टाइम पूरा होने का ये सब दिखाई दे रहा है, ये दुनिया की आशा या दुनिया की जो भी अभी हालात है वो अभी क्या ये महसूस नहीं कराती है कि दुनिया किस ओर जा रही है। तो ऐसे कोई न समझे कि नहीं अभी कोई हजारे या लाखें बरसा, वो कई समझते हैं, कई समझते हैं कलयुग अभी तो बच्चा है, अभी तो आज इसको बड़ा बूढ़ा होने में हजारे कई लाखें बरस पड़े हैं। परंतु नहीं, अगर हजारे लाखें बरस पड़े हुए होते ना, तो आज ही जितनी संख्या है वही संभालना दुनिया के लिए बड़ा एक हो गई है मुसीबत की बात है कि आगे फिर चलते चलते ये संख्या और बढ़ती चले और ये सब दुनिया का ऐसा हो तो कितना हजारे लाखे वर्षों में क्या हो जाएगा हा? और है ही नहीं इतने टाइम का, जबकि हम देखते हैं अभी अभी थोड़े, देखो ये क्रिश्चियनिटी को 1965 बरस कहेंगे, उसके अंदर भी देखो कितनी संख्या बढ़ गई है हा? जब क्राइस्ट था और उसने क्रिश्चियनिटी धर्म की स्थापना की उसी समय की संख्या का भी लियो और अभी की, तो अभी 2000 बरस भी नहीं हुआ है तो उसके अंदर अंदर इतनी संख्या बढ़ती जा रही है, तो सोचने की बात है अभी अगर कोई हजारे या लाखों बरस करे के पड़े हैं तो उसमें क्या जा करके होगा। अभी तंग हो गए हैं, अभी अपनी संख्या को कोई संभाल नहीं पा सकता है, खाने पीने रहने और सब बातों में देखो कितने तंग पड़ते तभी तो लड़ते है ना, वो समझते है कि नहीं हा? हमारे को ज्यादा जमीन मिलनी चाहिए, हमारे को ज्यादा ये होना चाहिए, हमारे को ये सब लड़ाई झगड़े सब क्यों होता है। तो ये सभी बात बैठ करके बाप समझाते हैं कि जब कि अभी इतने 2000 बरस की खाली संख्या भी सोचो तो देखो पहले जब अभी क्राइस्ट की स्थापना क्रिश्चियन घराने की हुई थी तभी कितनी थी, अभी उसके यहाँ अभी 2000 बरस भी नहीं हुए हैं तो कितनी संख्या हो गई है। तो सोचने की बात है कि जब कि समझते हैं कि ऐसी स्पीड संख्या की होती जा रही है तो हजार लाख बरस और आगे हो तो क्या हो जाएंगे हा? फिर तो बैठने एक दो के ऊपर बैठेंगे क्या क्या रहेगा। तो इसीलिए बाप कहते हैं ऐसा है ही नहीं, अभी ये सब टाइम निशानियां है कि अभी ये टाइम आकर करके लास्ट पहुंचा है। बाकी भी जो कहते हैं नहीं घोर कलयुग बहुत, जबकि मनुष्य बहुत पीड़ा, तो वो भी तो टाइम बहुत निकट है जब ये विनाश का चलेगा तो वो है पीड़ा का टाइम, परंतु वो पीड़ा का टाइम बहुत काल नहीं चलता है, बहुत दुख का समय फिर बहुत काल नहीं चलता है, क्योंकि अगर बहुत समय चले ना तो बहुत पीड़ा में और बहुत समय अगर मनुष्य चलते रहे तो न मालूम क्या हो जाए। देखो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो मामला हुआ तो ऐसे थोड़ी है कि बहुत काल चलता चले हा? नहीं चला थोड़ा समय, परंतु वो टाइम जो था वो घड़ी जो थी वो समय जो थे वो कितने दर्दनाक थे हा? अगर ये दर्दनाक समय बहुत काल चलता ही चले ऐसे मनुष्य एक दो को काटते फाड़ते चलते ही रहे तो ऐसा अगर निजहरा चलता ही रहे तो कितना क्या हो जाए। तो नहीं वो पीड़ा का अति पीड़ा का टाइम थोड़ा टाइम चलता है लेकिन होती अति पीड़ा है, तो ये भी विनाश का चलेगा लेकिन ऐसे थोड़ी है वो इतने हजारे या लाखों वर्षों में कोई चलने की बात नहीं है। तो ये सभी चीजों को भी बहुत अच्छी तरह से समझने की बातें हैं कि हाँ टाइम आया हुआ है और ये भी जो बाकी टाइम है जिसको कहते हैं वो भी आने का है, पर तो उसी टाइम पर तो अपना कुछ जो कुछ बनाना है वो उसी टाइम तो नहीं बनाएंगे, नहीं बनाना है पहले, जो कुछ करना है सो पहले करना है,